आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट को यूज करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए हमारी थोड़ी सी सावधानी हमें इन कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है जिसमें हम अक्सर ये चार टर्म्स सुनते हैं डायरेक्ट कपलिंग कैपेसिटिव कपलिंग थर्ड इज कोलेट्रल डैमेज फोर्थ इज रिमोट इंजरी ये इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के साथ होने वाले कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं डायरेक्ट कपलिंग डायरेक्ट कपलिंग मींस जब हम एक इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट को यूज कर रहे होते हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट के इंसुलेशन में कहीं ब्रीच होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑपरेटिव साइट से डिस्चार्ज नहीं होकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेशन में ब्रीच वाली साइट है वहां से भी डिस्चार्ज हो जाते हैं और जिस भी ऑर्गन या टिश्यू पे वो जाएंगे वहां इंजरी क्रिएट कर देंगे वहां वो बर्न क्रिएट कर देंगे तो डायरेक्ट कपलिंग को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपनी टीम को रेगुलर इंस्ट्रूमेंट के इंसुलेशन चेक करने के लिए बोलना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऊटी स्टाफ इन चीजों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है सेकंड कैपेसिटिव कपलिंग जब हमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड को एक सिलेंडर के थ्रू ऑपरेट करते हैं इट मींस जब हम पोर्ट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर कर पोर्ट पे आ जाते हैं यदि पोर्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं है यदि इलेक्ट्रॉन्स स्किन पे डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं तो वो इंट्रा एब्डोमिनली डिस्चार्ज होंगे उस ऑर्गन पे या टिश्यू पे जो उस पोर्ट के इंटरनल पार्ट के कांटेक्ट में आएगा और जहां भी ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होंगे वहां हीट जनरेट होगी और वहाँ बर्न क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह की इंजरी कैपेसिटिव कपलिंग इनकी इंजरी से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमें हाइब्रिड पोर्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं आजकल कई मेकर्स जस्ट फॉर देयर अट्रैक्शन चीज अच्छी लगे कुछ डिफरेंट लगे इसलिए आधा पोर्ट मेटल का और आधा प्लास्टिक का बनाते हैं यदि ऊपर का पार्ट प्लास्टिक है कोई भी ऐसी चीज़ उसमें बीच में है जो कि मेटल के पोर्ट को स्किन से कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है और वो बैड अ कंडक्टर है तो इस तरह की इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसीलिए हमें कंप्लीट मेटल पोर्ट्स लेने हैं या कंप्लीट प्लास्टिक पोर्ट्स लेने हैं हमें हाइब्रिड पोर्ट्स मींस मेटल और प्लास्टिक मिक्स पोर्ट्स हमें नहीं लेने हैं थर्ड कोलेट्रल डैमेज कोलेट्रल डैमेज बाइपोलर क्वाटरीज में ज्यादा होता है कोलेट्रल डैमेज का मतलब है लेटरल स्प्रेड ऑफ हीट इट मींस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक जॉ इलेक्ट्रॉन डिलीवर करती है और दूसरी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट कर, कर वापस मशीन में ले जाती है इस रस्ते में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग के दौरान टिश्यू में टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हीट जनरेट होती है अब जितना लॉन्ग पैडल हम प्रेस करेंगे उतनी हीट ज़्यादा जनरेट होगी और आसपास स्प्रेड होगी इलेक्ट्रॉन्स आसपास के सरफेस एरिया में भी ज्यादा जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट उसी लोकल एरिया में सबसे ज्यादा करेंगे इसीलिए कोलेट वहां हीट जनरेशन धीरे धीरे उस लोकल टिश्यू एरिया में बढ़ता जाएगा इस तरह की इंजरी से बचने के लिए हमें पैडल्स को शॉर्ट बर्ड्स में यूज करना चाहिए और करंट की सेटिंग मिनिमम पॉसिबल रखनी चाहिए फोर्थ है रिमोट इंजरी रिमोट इंजरी हमें मोनोपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के साथ ज्यादा देखी जाती है हमारा टारगेट ऑर्गन कहीं और है और जिस एरिया में हम गए ही नहीं वहां पे इंजरी क्रिएट हो गई मोनोपोलर कॉटरी में हमारा एक इलेक्ट्रोड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉडी टिश्यू या ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है और पेशेंट प्लेट के ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन वापस मशीन में जाता है इस पूरी ट्रैवल के दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे वहाँ टर्ब्यूलेंस क्रिएट करेंगे और ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं रिमोट इंजरी का एक एग्जाम्पल आप देखिए हम गोलबेडर सर्जरी कर रहे हैं अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग स्टार्ट होने पे हमने पैनिक सिचुएशन में आते हुए मोटा बंच टिश्यू का पकड़ लिया और हम उसको कुक करने लगे स्टॉप हो गई सब ठीक हो गया पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी ठीक चला गया डिस्चार्ज हो गया पांच से सात दिन बाद पेशेंट वापस डिस्टेंशन अपडुमन लेकर आया हमने देखा कि उसके बाइल कलेक्शन सोनोग्राफी में है सेकेंड एग्जाम्पल इस रिमोट इंजरी का बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है हम लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं ड्यूरिंग यूटराइन पेडिकल डिसेक्शन किसी भी कारण से वहां ब्लीडिंग हो गई हम पैनिक हुए हमने बंच में मोटा टिश्यू होल्ड कर लिया और हम कुक कर रहे हैं हमने कुक किया करंट पास करते रहे ब्लीडिंग स्टॉप हो गई हमारी सर्जरी अच्छी हो गई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया कुछ दिनों बाद वो इंट्रा एबडोम डिस्टेंशन पैरालेटिक आइलियस करके आया सोनोग्राफी में हमने देखा यूरिन कलेक्शन अंदर फ्लिड कलेक्ट था डायग्नोसिस हुआ अ यूरेट्रिक फिश नॉट एट द साइट ऑफ सर्जरी एट पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन रिमोट इंजरी ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम करंट पास कर रहे थे क्योंकि हमने मोटा बंच होल्ड किया था इसीलिए वहां हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें लंबे समय पेडिकल को दबाना पड़ा रोकने के लिए उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स वहां से जंप करते हुए यूरेटर पर चले गए और यूरिन एंड यूरिन कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छी तरह से कैरी करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स यूरिन के थ्रू ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ चले गए जहां सर्फेस एरिया सबसे कम था पेलवी यूरेट्रिक जंक्शन पे वहां हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुई और वहां उन्होंने इंजरी कर दी सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिमोट इंजरी तो रिमोट इंजरी को अवॉइड करने के लिए हमें बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट को यूज करना चाहिए उसमें रिमोट इंजरी के चांसेस बहुत कम नेग्लिजिबल होते हैं लेकिन फिर भी हम कोई भी इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यूज़ कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है हमें प्रिसाइज होल्ड करना है टिश्यू मोटा चंक होल्ड नहीं करना है अपने आप को काम रखना है पैनिक सिचुएशंस में भी कॉटरी की सेटिंग्स मिनिमम पॉसिबल रखनी है 20 से 40 के बीच और करंट हमेशा शॉर्ट बर्स में देना है कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस करंट पास नहीं करना है यदि हमारे पास हाई एंड गैजेट्स हैं लिगाशोर है या हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर हैं तो हमें वो इन सिचुएशंस में बहुत बेटर होते हैं और उनमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं।